हेलो स्टूडेंट्स, कल वाली वीडियो में मैंने एक बहुत छोटी सी गलती कर दी थी। आप चेक करना, मैंने हर जगह बाई सिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई थ्री होना चाहिए था। तो आज मैंने वो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है जो कल वाली वीडियो, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। 10.2 न्यू प्रॉब्लम सीरीज रखा हुआ, न्यू प्रॉब्लम सीरीज 10.2, राइट। तो उसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। और कल भी मैंने कहा था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर अवॉइड करेंगे, ज्यादातर सॉल्यूशंस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से दिखेंगे अगर आप गूगल करेंगे, या हायर मैथमेटिक्स वाले अगर इसे ट्राई करते हैं तो उनको काउची रेसिड्यू थ्योरम स्ट्राइक करेगा। तो उनका यूज नहीं करना है, कोई और लॉजिक यूज करना है। तो लॉजिक क्या मैं डिस्कस कर देता हूँ, और बहुत ही बेसिक लॉजिक है। अगर आपको एक टफ इंफॉर्मेशन पता है, तब वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन है टैन एन एक्स बराबर होता है एन सी वन टैन एक्स माइनस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव टैन पे पावर 5x। अपॉन वन माइनस एन सी टू प्लस एन सी फोर टेन पे पावर 4x डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो वैसे बना रखी है, प्रूफ नहीं बताया है, प्रूफ मैं आगे इसका डिस्कस कर दूंगा। तो इसकी मदद से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसकी मतलब टैन 5x, टैन 6x, टैन 3x, टैन 2x, कोई सा भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते। अब यहां पे जो भी एंगल लिया हुआ, 2n लिया हुआ है, मैं n को 2n से रिप्लेस कर देता हूं। तो टैन 2nx मेरे बच्चे आएगा 2n सी वन टैन एक्स माइनस प्लस 2n सी फाइव टैन पे पावर 5x वन माइनस टू एन सी टू प्लस 2n एस। अब साथी, अगर मैं ये कहूं कि टैन 2nx कौन कौन से x पे जीरो होगा, तो अगर मैं टैन 2nx को जीरो करूं, एक और बात मैं पिछले वीडियो में ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख रखा है एन वन से बड़ा है। तो ये जीरो कब कब होगा, जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू एन हो, एक्स की वैल्यू टू पाई बाई टू एन हो, ऐसे चलते हुए हम जाएंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, एक्स की वैल्यू एन माइनस वन पाई बाई टू एन हो, तो ये सारे इसके रूट्स होंगे, राइट। ये सारे इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर मैं टैन टू एन एक्स को जीरो करता हूं, तो टैन टू एन एक्स के जीरो होने का मतलब है कि ये वाला टर्म जीरो हो जाए, टू एन सी वन टैन एक्स माइनस टू एन सी थ्री टैन क्यूब एक्स, ऐसे चलते हुए जाएंगे। तो हमें सेकेंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा, टू एन सी टू एन माइनस थ्री टेन रेस टू दी पावर टू एन माइनस थ्री एक्स, और माइनस लास्ट में क्या आएगा, टू एन सी टू एन माइनस वन टेन पे पावर टू एन माइनस वन एक्स। और इसको अब मैं जीरो कर देता हूं, तो पूरे में से माइनस कॉमन निकालो, यानी ये आएगा टू एन सी
2n minus 1 tan raised to the power 2n minus 1 x minus 2n c 2n minus 3 tan raised to the power 2n minus 3 x. ऐसे चलते हुए हम चलेंगे तो अपने पास ये टर्म आएगा 2n c 3 tan क्यूब x minus 2n c 1 tan x equals 0. अब बच्चे इसमें से मैं tan x बाहर निकाल लेता हूं, पूरे में से मैं tan x कॉमन निकाल लेता हूं. tan x कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा 2n. अब बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो चुका है, 2n minus 1 tan स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको और इस पे पावर n. अगला टर्म बन जाएगा माइनस 2n c 2n minus 3 tan स्क्वायर x पे पावर n minus 1. इस तरीके से चलते हुए हम चलेंगे तो लास्ट टर्म आएगा माइनस 2n c 1 और ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए. अब आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा इक्वेशन जीरो किस किस x पे हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है x अपने पाई बाई 2n, 2 पाई बाई 2n, n माइनस 1 पाई बाई 2n होंगे, लेकिन उसमें tan x जीरो नहीं हो रहा है. भाई अगर ये पूरा फैक्टर आप जीरो कर रहे हो, tan x जीरो नहीं हो रहा, बाकी बचा हुआ जीरो हो रहा है, राइट? तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे tan स्क्वायर पाई बाई 2n. कॉमा टेन स्क्वायर टू पाई बाई टू एन. अप टू टेन स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसे टेन स्क्वायर में एक इक्वेशन बना लिया, टेन स्क्वायर एन माइनस वन पाई बाई टू एन. यानी अगर मैं सिंपली टेन स्क्वायर एक्स को, अगर मैं सिंपली टेन स्क्वायर एक्स को t मान लू तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है? लुक्स लाइक पॉलिनोमियल 2n c 2n माइनस 1 t पे पावर n माइनस 2n c 2n माइनस 3 t पे पावर n माइनस 1 और डॉट 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 माइनस 2n c 1 इक्वल्स 0. अब इसमें जो t की अलग अलग वैल्यू, जो t के रूट्स आ रहे हैं वो क्या 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 होंगे? t के रूट्स, t के रूट्स मेरे बच्चे वही बताना चाह रहा था मैं, tan स्क्वायर पाई बाई टू एन होंगे, tan स्क्वायर पाई बाई टू पाई बाई टू एन होंगे, अप टू डॉट 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 tan स्क्वायर n माइनस वन पाई बाई टू एन होंगे. यानी मुझे सम ऑफ रूट निकालना है तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू एन सी टू एन माइनस थ्री अपॉन टू एन सी टू एन माइनस वन. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन थ्री. तो आगे से आप इसे याद रखेंगे, ये कंप्लीट सीरीज. इस पे एक आध सवाल मैं और बता देता हूं कैसे आप देख सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है tan स्क्वायर पाई बाई 22 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाई 22. तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था नीचे 2n का फॉर्मेट आएगा, n की वैल्यू कितनी है? 11. आप कहां तक चलेंगे? n माइनस वन तक चलेंगे, यानी प्लस tan स्क्वायर n माइनस वन मतलब 10 पाई बाई 22. अब ये समेशन साथ ही किसके बराबर होगा? तो आप फटाफट किसकी वैल्यू निकालेंगे? n पहले निकालेंगे तो 2n 22 22 है, n की वैल्यू 11 आएगी, n माइनस वन यानी 11 माइनस वन, 2n माइनस वन यानी 22 माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 आएगा, यानी 10 into 21 divided by 3, यहां से आंसर आएगा 70.
इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।